गाइस गुड मॉर्निंग, लॉर्ड उठ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हाड़ा से बचे हैं अभी। हाड़ा दौड़ा लिया था अभी। गाइस फिलहाल रेडी यहाँ से निकलने वाले हैं रामघाट के लिए। रामघाट क्या कहाँ पे निकलेंगे? यहाँ पे रामघाट के लिए, हनुमान धारा के लिए। ब्लॉग में सब कुछ रेडी है, बस निकल लिया। काउंट करके बताओ कितने लोग हैं। काउंट करो एक लोग 50 होने चाहिए। मैम को बैठने दो। गाइस हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, बस कोई खसाट खस भरी है। आगे से पीछे तक बैठने की सीट नहीं मिली है। हो चुके हैं और अभी हम लोग निकल चुके हैं गाइस। कहाँ के लिए? रामघाट या हनुमान धारा, और वहाँ पे जाके हम लोग सारा दिन बहुत मजा करने वाले हैं। सारा दिन या गाइस हम लोग हनुमान धारा के लिए निकल चुके हैं, और ये रही पूरी बटालियन। ये है मनीष बाबू, हाय गाइस। ये हनी बाबू, और पीछे आ रही पूरी बटालियन। क्यों सर? सर भाई यहाँ पे स्वागत करने के लिए बैठा है। भाई को दिखाओ, भाई भाई की वीडियो लो यार। भाई 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 जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान धारा कितना दूर है यहाँ से? सर यहाँ से तकरीबन 200-400 मीटर की दूरी। सर कितनी दूर है यहाँ से? सर कुछ बताइए हनुमान धारा के बारे में। हनुमान धारा के बारे एक धारा है हनुमान जी की, जो लगातार निकलती रहती है। कहाँ से निकलती है किसी को जी? ये उस समय की बात है जब भगवान राम अयोध्या आए थे, अयोध्या से चल के चित्रकूट आए थे जी, पिताजी के साथ वनवास में। तो हनुमान जी को प्यास लगी जी, ऐसा पता चलता है कि गलती से जी। उन्होंने अपने गदे से मार के चट्टानों के बीच से जल उत्पन्न किया और उसे अपनी प्यास बुझाई, ऐसा उल्लेख मिलता है। अच्छा, इसी से उसका नाम हनुमान धारा पड़ा। ये अनवरत कंटिन्यू चलती रहती है, और चट्टानों के बीच से निकला हुआ फिर चट्टानों के बीच में चला जाता है। ये चीजें आपको रिपोर्ट में देखने को मिलेंगी जी। तो ये हनुमान धारा के बारे में गाइस, यहाँ पे चढ़ाई जाने का, हनुमान धारा तक जाने का दो मार्ग है जी। अभी तो हाल में रोप वे भी शुरू किया गया है, बाकी बाई रोड भी टैक्सी चलती है। अगर आप सीढ़ी से जाना चाहेंगे तो 360 सीढ़ियाँ जी चढ़ के हम लोग बता सकते हैं। बाबा जी ये कहाँ लेके जाएगा? ये कहाँ जाएगा आगे वाला रास्ता? ये गाइस हम लोग उस रोड से जो नीचे रोड दिख रहा है, गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं विद इन फ्यू मिनट्स। 400 सीढ़ियाँ चढ़ी, और अभी आगे वहाँ तक जाना है। किसी का पैर दुख रहा है, किसी का कमर, हमारा कुछ नहीं। तो ये है मनी, धनी हनी ब्रो, हनी इट्स नॉट मनी, हनी के पास मनी। तो यहाँ से अभी जाना है यहाँ पर, कुएं से आ रहे हैं उसको बताओ। ये वहाँ से ब्लॉग में, वहाँ से आ रहे हैं जैन जी। जी सर, ये जो कमजोर लोग हैं इनके बारे में बताइए जरा, जो रोपवे से आ रहे हैं। कमजोर नहीं है यार वो लोग। तो गाइस हम लोग हनुमान धारा आ चुके हैं, और ये रही पूरी बटालियन, और वहाँ से आए हम लोग, और अभी वहाँ जाना ऊपर। अरे हम भी साथ में यार। आप भी हो? बिल्कुल। अरे यार, तो ये है गाइस हनुमान धारा, श्री सीताराम, और ये हम लोग। सर धारा ही है क्या? यही है क्या?
कितनी बार नहाओगे यार? आते रहो तो गाइस ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे। कहाँ पे? सीता रसोई। सीता रसोई हनुमान धारा से ऊपर सीता रसोई, यहाँ पे एक गांव है। क्यों सर? दो शब्द सर गांव के बारे में। गांव के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर सीता जी आके जी वनवास के समय में भोजन बनाई थी जी, और उस स्थान को सीता रसोई के नाम से जाना जाता है, जो हनुमान धारा से 100 सीढ़ी ऊपर चढ़कर गांव में स्थित है। जन जन एक बार हमारी दिखा दो, वो खड़ी हमारी बस। बस हम खुद नहीं पहचान पा रहे हैं, वो पीली वाली यार, डब्बे सी सतरंगी जो है भाई बस है, और ये हम है और ऊपर सीता रसोई है। सब चल रहे हैं सीता रसोई में, ऊपर एक गांव भी है, बहुत यूनिक चीज है, दिखाते हैं। बटालियन पीछे है तो हम लोग गांव में पहुंच चुके हैं। एक बार देखिए वो 5 रुपए वाली आती है, वो खड़ी है 5-5 रुपए वाली बस आ गई। चलो 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 भाई आओ यार। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। तो ये है ऊपर गांव जो कि 500 सीढ़ी ऊपर है, और इनको डेली नीचे ऊपर जाना होगा। भाई भाई कब से बोल रहे हैं भाई, ब्लॉग में ले लो, ब्लॉग में ले लो। पांव पड़ना सर, मत्था टेकना जी सर। इधर से भाव पांव पड़ के चलिए। जो तुम्हारी इच्छा का है, जो तुम्हारा प्रेम का है, दान आपकी इच्छा से जो देना हो, रुपया 5 रुपया प्रेम से डालना, खाली नहीं जाना। इधर से भाव पांव पड़ के चलिए अंदर। चलिए चलिए भाई, बोलिए भरत भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम। लाल भाई ने सेवा दिया प्रेम से, देव आपका नाम भैया। 10 रुपए बाबू ने रसोई में आके भंडारे के लिए दिए, प्रेम से करिए। आपका नाम नाम बोलो। 10 रुपया सेवा दिए प्रेम से, जो खाली ना जाओ भैया। जी जी आ रहे हैं, बोलिए। 10 रुपए कम ऑन गाइस, रसोई में आके दिया देव बाबू। आते रहो आते रहो आते रहो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आगे सीता रसोई थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करेंगे, बाकी लोगों को आ जाने दीजिए, देन हम चलते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। लाओ आइचा निकाल दो। क्या नाम? जयंत। जयंत भक्त ने रसोई में आके 101 रुपया दोनों भाई मिल के दिया। 101 रुपया होता है बाबा जी, तो तुम भी दो। अपना दिया, तुम अपना दो। क्या यार जयंत जी, तुम भी दो प्रेम से। अरे देर दे दिया हो ना, 10 दिया और तुम्हारा कौन देगा? वो हमारे साथ आ रहे हैं, तुम भी प्रेम से दो। सर वो पीछे लीडर आ रहे हैं, उन लोगों से आइए आइए आइए। बोलो सीता मैया की जय। आपका नाम? जानवी सिंह। बहन ने मैया का रसोईया में आके 10 रुपए नहीं, 10 रुपए बच्चे पढ़ने वाले बच्चे। अरे भैया मास्टर के बाबा बोलो बिजनेसमैन है। गाइस सभी जगह पैसे 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 ही पैसे गाइस। भाई 10 रुपए 10 रुपए से कम ले ही नहीं रहे हैं, 10 रुपए से कम। पर कोई बात नहीं, हम लोग दर्शन करने आए हैं, सो इतना तो बनता है कि हम लोग थोड़ा बहुत जो हमारे पास हो सके उसको। जी जी जी, ये सीता रसोई सर, ये अंदर है, अंदर है। हम लोग करें नाश्ता, रबड़ी और पकौड़ी का। बहुत अच्छी पकौड़ी है गाइस, पकौड़ी बढ़िया। अभी भी आप लोग रबड़ी बच्ची खा रहा है तो ये ऊपर वाली दुकान पे जरूर। ये है सीता रसोई, यहाँ पे हम लोग खा रहे खाना। आगे बहुत भीड़ है भाई, ये है कि यहाँ का सीन ऐसा है भाई, हर जगह हर मंदिर पे हर जगह आपको 10 रुपए देने ही देने हैं। 10 से कम 5 रुपए 10 से कम में कोई बात ही नहीं करता भाई। अगर आपके पास चेंज नहीं है ना, 100 तो 500 रुपए भी आप चले लेंगे, ठीक है ना? तो चेंज के साथ आना, ठीक है ना? और ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा यहाँ पे नहीं है, एकदम नहीं है ऑनलाइन पेमेंट। तो जो कुछ करना कैसा ना, फिलहाल खाना अच्छा से तरफ होगा। अरे बाबा जी तो बगावत चलने वाले हैं, हम लोग बैठ चुके हैं। धूप
धूप तगड़ी है और कुछ नहीं, लेकिन मजा भी आ रहा है। हाय गाइस, चलो चलो ये रहे सर, दबंग लगाए सर आपको। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सब दुख लेते हैं? नहीं लेते भैया, नहीं दोगे तो पूछे मारते भी हैं। यहाँ मोबाइल चलाना एकदम प्रतिबंधित है, नहीं तो पुजारी जी डंडे से मारते मोबाइल में, मोबाइल गिर जाएगी तो। ये रे लेटे हुए राम जी, विश्राम विश्राम अवस्था में, और ये रे हम हनी। हाय गाइस, लिंका नहीं वो आगे छूट रहे हैं उनको, सबसे पीछे सर हम ही लोग हैं। लोगे यहाँ पे? थैंक यू भैया जी भाई। ये हेलो यार, आप ब्लॉग में आओगे आप भी? तो भाई ये विश्राम स्थल, यहाँ पे सब लोग कर रहे हैं रिलैक्स। गुप्त गोदावरी यही है साथ में भी सर? सर देख नहीं रहे हैं अभी फिलहाल, और जोर लगाइए। सो गाइस, संसुईया देवी का दर्शन हो गया, अब यहाँ से लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ वहीं पर मंदाकिनी भी थी। ये लोग वैसे बैठे हैं, इसकी बात चलेंगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे अंदर। तो गाइस बस से निकल चुके हम लोग और गुप्त गोदावरी पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही दूर है भाई। धूप इतनी कड़ाके की है। हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है गाइस, हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, पैरों में शूज भी नहीं है, नंगे पाँव, सबके पाँव नंगे हैं, पूरी बटालियन आगे है, हम लोग पीछे हैं। रोड बहुत ही गर्म है, बट हाँ अंदर कुछ यूनिक प्लेसेस होने वाले हैं, घूमने तक पानी होगा शायद, बोल रहे थे सर। चलते रहे चलते रहे चलते रहे आगे। कैसे एंट्री होगी यहाँ पे? आगे सब निकल रहे हैं। ये ऊपर है, ये भी ऊपर है क्या? एकदम ऊपर पहाड़ों के बीच से होती है। सर पूरी तरीके से थक चुके हैं एकदम थके से बेहाल, मैम भी थक चुकी हैं, और ये रही थी लंबी लाइन। ये रहे मनीष भैया, ये मनीष भैया, ये हनी, और ये रही लाइन, और मुझे तो जानते ही हैं। बंदर प्रसाद छीन के लेके जाता हुआ, ठीक 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 ठीक। तो गाइस ये है गुप्त गोदावरी की गुफा, जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, गर्मी बहुत ज्यादा है जी सर। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अंदर गर्मी और बंद करो यार, चलो भाई चलो चलो, पीछे कुछ नहीं, सिर्फ पानी 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 पानी। सीताराम 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 सीताराम, जय श्री राम। वाटर पर बहुत ध्यान नहीं मार गया था वो, आराम चलिए आराम चलिए, चलते रहिए चलते रहिए, आ जाइए आप भी आ जाइए। मैम हाय, कैसा फील हो रहा है? अब तक आप लोग पापा की परी थी, अब पापा की मछलियां हो गई हैं। चलते रहिए चलते रहिए, अकेले बना। हे गाइस,
जय श्री राम। एक आ थोड़ी बहुत व्यू बन जाता ना, मजा आ जाए। मनी देखता हेलो गाइस। अच्छा आप लोग भी? मैं भी हूँ। आप भी हो? जी सर, सर खड़े हो जाइए। जी सर, गाइस यहाँ पे हो रहा है विश्राम। जी सर तो गाइस हम निकल रहे हैं यहाँ से रामघाट के लिए, और ये रे बॉयज, ये बॉय फिर वहाँ पे करेंगे स्नान, सब कुछ पैक हो गया है, और ये बढ़ा लिया वहाँ पे करेंगे हम लोग स्नान। आज रात को निकल लेंगे यहाँ से घर के लिए भी, रात तो रात सफ़र होगा और रात का सफ़र मज़ेदार होता है। तो गाइस हम लोग रामघाट पहुँच चुके हैं। जी मैम, जी जी जी, काफ़ी अच्छा है, शायद रात में और अच्छा रहेगा। अभी यहाँ पे हम लोग 3 घंटे तक स्टे करने वाले हैं, बोटिंग करेंगे, मजे करेंगे, शायद आरती के बाद जाएंगे यहाँ से, देखते हैं। फुल चिल टकलू वाले का तो गाइस स्टार्ट होने वाली है बोटिंग यहाँ से यहाँ तक। गाइस पूरा मजा लेना है। कनेक्ट करो यार। जी सर नहीं कनेक्ट करो। जी सर कनेक्ट करिए। अरे रुको भैया, कनेक्ट करिए ना सर। भैया कैसा? वाह क्या फोटो आता है। ऐसा गाना चलाइए। कनेक्ट कर रहा ब्लूटूथ से। ब्लूटूथ से ही हो रहा सर। तो गाइस बोर्ड का इंजन स्टार्ट हो चुका है, ये देखो जा रही है। घाट के इस पार आ गए हैं, अभी इस पार से जाएंगे दर्शन करने, फिर उसके बाद घर हनुमान जी का दर्शन करेंगे। ये हनुमान जी की पूरी वीडियो देखिए। जी सर ये कासे गंधर्व मैं बता दे पड़ा। तो गाइस फिलहाल आरती वगैरह हो रही है और ये लोग नहा चुके हैं, बाल वगैरह से टूरा अभी, और आरती ये पीछे हो रही है यहाँ पे, और ये रहा यहाँ का व्यू जो कि काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी एस्थेटिक व्यू है। एंड अभी कुछ देर में हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं,
अयोध्या के लिए, चित्रकूट से अयोध्या के लिए निकलना है विद इन 2 आवर्स। आयुष भाई सेट हो गए हो यार। पब्लिक डांस भाई, डांस बड़ा बढ़िया भाई। सो गाइस फिलहाल खाना खाने बैठे यहाँ पे और ये थाली आ चुकी है भैया। एक थाली में दो रोटी सिर्फ, और मैम की थाली आ चुकी है लेकिन खाना नहीं आया अभी तक। इधर आइए, एक थाली में दो रोटी, एक थाली। और यहाँ पे लोग खाना खा रहे हैं, इधर भी खाना खा रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक। और ये खीर क्यों भैया? क्या है सर? मालपुआ लिखा हुआ है। सुनो मैं लिखा हुआ आपसे बता दूं, ये मालपुआ है बेटा, दूसरा करना है बदल बदल। सुनो भैया वो आपको वो दे दो, एक थाली और। मैम शाही पनीर कैसा है? अच्छा बस नमक कम है सिर्फ। खाना कैसा है? पैसा वसूल है। आप बताओ। एवरेज हमारा भी एवरेज ही है। सर आपका? अच्छा। सच्चाई निकल गई सर, सच्चाई। कौन सी सच्चाई भैया? गाइस 12 बजने वाले हैं और अभी यहाँ पे अंताक्षरी चल रही है और ये पूरा ग्रुप। सो गाइस अभी रात के बज रहे हैं 3:30 और हो रहा है अंताक्षरी, जो कि हम लोग जीत चुके हैं अब, और ये पार्टी हार चुकी है, ये पार्टी हार चुकी है, ये पार्टी जीत गई है। सब लोग सो रहे हैं, लुड़स मार गए हैं सब लोग। ये लुड़स मारा है भैया, जग रहे हैं। बाकी सब लूट मार गए तो अंताक्षरी हम लोग जीत गए हैं तकरीबन 7-8 घंटे। मैम सो के जग रही हैं और एक मैम सो गई। हेलो गाइस, पहुंच चुके हैं हम लोग। क्या सर? जी मैम। गाइस आ चुके हैं हम लोग। सर टूर कैसा रहा? टूर के बारे में तो आप लोग शेयर कर सकते हो। मेरे ख्याल से जो हम लोगों ने अभियान का चयन किया था, इसलिए हम लोगों ने टूर बनाया था, वो सारा पूरा उठा हुआ दिख रहा है। ये संतुष्टि आपके साथ जो सहपाठी है उनसे आप शेयर करें। बढ़िया, अच्छा लगा सर मुझे। मैम मजा आया? मजा आया गाइस, एक्साइटमेंट नहीं है?
नींद नहीं टूटी क्या अभी? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आ रहे हैं बॉयज, आ रहे हैं। हाय गाइस, हाउ इज द एक्सपीरियंस बॉयज? एकदम चकाचक था ये। क्या चकाचक क्या होता है? हमारे सुनने में ऐसा आया है, मस्त मजा आया गाइस, जैन भाई को रसगुल्ला मिल गया। जी जी जी। और ये रात में सोए नहीं थे। जी जी जी। सो गाइस ट्रिप बहुत अच्छी थी। क्यों सर, मजा आया? मजा आया सर। नेक्स्ट ट्रिप कहाँ की रहेगी? मेरा तो प्लान है आगरा सर। उत्तराखंड चलिए ना, या फिर उत्तराखंड। जी सर उत्तराखंड चलिए, या फिर आपका जयपुर उदयपुर। जी सर वहाँ भी ले चलिए फिर। तो गाइस ये रहा कॉलेज। दुनिया गोल है, यहीं से गए थे यहीं फिर आ गए। क्यों मैम? आओ आओ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलो। सो गाइस टूर कंप्लीट हो चुका है, हम लोग कॉलेज में आ चुके हैं। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मजा आया? बहुत अच्छा। जिस समय निकले थे उसी समय वापस आ गए। जी जी। चले? कहाँ चलना है? हरिद्वार। डन है। मैम के लगाओ ना। होली हो चुकी है, लगाइए ना सर। सर लगवाइए ना, आराम से आराम से, एकदम आराम से। ले जाओगी? घर ले जाएंगे। अरे हवा चलो चलो, आओ फोटो ले आओ। आप लोग कैसे जाओगे? सो गाइस होली हो चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए। मनीष, आयुष, हनी और कप्तान भाई। ट्रिप में काफी मजा आया, वो भी एंजॉयमेंट रही। बस विद इन फ्यू मिनट्स में हम घर पहुंचने वाले हैं। सो गाइस टायर हो गया पंचर, लगा रहे स्टेपनी। कप्तान भाई स्टेपनी चेंज करते हुए हम लोग मजा लेते हुए। गाइस सनराइज हो चुका है और हम लोग मैं निकल चुका हूँ इसको घर छोड़ने के लिए। रास्ते में गाड़ी पंचर, रास्ते में गाड़ी के पिछले टायर से हवा निकल गई थी, पता नहीं क्या इशू था। सो स्टेपनी लगाने के बाद अब चल रहा हूँ इसको घर छोड़ूंगा, फिर मैं घर जाऊँगा नहाऊँगा, क्योंकि रंग इतना लग गया कि बिना नहाए मज़ा नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो नहाने के बाद ही सब कुछ होगा। तो सो गाइस टूर कंप्लीट हुआ और मैं बस घर पहुंचने वाला हूं। सो अभी सबको घर छोड़ के ऑलमोस्ट अभी घर पहुंच भी गए होंगे, बस मैं भी विद इन फ्यू मिनट्स में घर पहुंचने वाला हूं। एंड ट्रिप बहुत अच्छी थी, बहुत ही मज़ा आया एंड इंजॉइंग ट्रिप थी। एंड ये था कि हर एक पर्सन, हर एक आदमी हर एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता था, एंड दैट्स वाई दिस ट्रिप गुना मेक अ अनफॉरगेटेबल रिमाइंडर्स। सो मज़ा काफ़ी आया एंड अगली ट्रिप जब भी होगी सो और अच्छे से और वेल तरीके से होने वाली है, जितनी भी ट्रिप्स आगे होंगी एंड मज़ा खूब आएगा। सो अभी मैं जा रहा हूँ फिलहाल घर पहुँच के फ्रेश हूँगा नहाऊँगा एंड देन रेस्ट मोड ऑन। एंड हाँ गाइस स्टोरी पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पाया बिकॉज मैं ब्लॉग शूट कर रहा था। सो ब्लॉग आपको जो है आज तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ कल उसका लिंक जो है आपको दे दिया जाएगा, बिकॉज अभी उसको एडिट भी करना है, ठीक है ना, और आज टाइम कम है मेरे पास। तो कल आपको जो है उसका लिंक मिल जाएगा
और आगे की जितनी भी सारी की सारी ट्रिप्स होंगी, सारी की सारी एक्टिविटीज़ होंगी, उसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। एंड हाँ, व्लॉग का लिंक मैं आपको जो है स्टोरी पे ही दूंगा, सो एक्टिव रहना स्टोरी पे, ओके। सो मैं घर पहुंच गया हूँ अभी, ठीक है ना। फिर मिलते हैं गाइस बहुत ही जल्द, ओके जी, बाय बाय। सो गाइस, जस्ट मैं नहा चुका हूँ एंड मेरा तबीयत और गला का बैंड बज चुका है, क्योंकि भाई बस में आते टाइम नियर अबाउट 7 आवर्स गाना ही चला था ना। सो इंतजार थोड़ी चली थी, तो भाई गला एकदम बैठ चुका है, जुकाम ऊपर से है। बट हाँ गाइस, ट्रिप बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही यूनिक रही, बिकॉज हर एक पर्सन ने इंजॉय करने का डिसीजन लिया था, हर एक पर्सन ने इन्वॉल्वमेंट की थी। सो दैट्स व्हाई दिस ट्रिप अनफॉरगेटेबल। सो हाँ, अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ चाय पीने, बिकॉज यार कितने बज चुके हैं, आई थिंक 4 बज चुके हैं और अभी तक मैंने कुछ खाया पिया नहीं है, तो फिलहाल मैं चाय पीने जा रहा हूँ। एंड चाय पीने के बाद व्लॉग को थोड़ा एडिट करूँगा, उसके बाद कुछ और एक्टिविटीज़ है, कुछ और काम उसको करूँगा, तो शायद आपको व्लॉग जो है वो ये व्लॉग आपको कल शाम तक देखने को मिल सकता है, मे बी सुबह भी हो सकता है अगर मैं एडिट कर लेता हूँ तो, ठीक है ना। सो हाँ, स्टे ट्यून, व्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। एंड हाँ, जितने भी लोग ट्रिप पे गए थे उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि यार ट्रिप सक्सेसफुली कंप्लीट हुई, ठीक है ना। एंड सारी की सारी चीज़ें उसी तरीके से हुई जिस तरीके से हमने सोचा था, प्लान किया था, बट हाँ वेल कोई बहुत यूनिक प्लान नहीं था, बट हाँ चीज़ें होती गई, ठीक है ना, लोग इन्वॉल्व होते गए हर एक चीज़ में, सो दैट्स व्हाई दोस थिंग्स विल हैपन गुड। ओके गाइस, सो इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं फिर किसी न्यू ब्लॉग में, ओके जी। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, सत श्री अकाल, नमस्कार।